नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्रीटेक गुरुजी और मैं हूं आपका दोस्त सुरेश जाट। दोस्तों, फसल कटाई में अगर बात की जाए तो हम अलग अलग प्रकार के कृषि उपकरण का इस्तेमाल करते हैं, जहां पे हम पहले तो सबसे बेसिक काम होता है हाथ से कटाई करना, वो बहुत मुश्किल है। उसके बाद में रिपर आ जाती है, फिर उसके बाद में रिपर बाइंडर या फिर जो बड़े हार्वेस्टर आते हैं वो हो जाते हैं। लेकिन बड़े हार्वेस्टर के कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है। इसी तरह रिपर से अपन कटाई करेंगे तो उसको उठाना भी पड़ेगा, तो उसी काम को ये आसान बनाता है मीत 377 मल्टी क्रॉप, जो कि मिनी कंबाइन आता है। और सबसे बड़ी बात, ये ट्रैक्टर के ऊपर लग जाता है, यानी इसको लगाना और खोलना बहुत ही आसान है। और ये गेहूं की कटाई भी करेगा, निकालेगा भी सही, गेहूं भी इकट्ठा करेगा और साथ ही साथ इसका भूसा भी इकट्ठा कर लेगा। यानी कि एक बार इसको खेत में लगाओ, सारा काम एक ही बार में करके फ्री हो जाओ। तो इसके बारे में और भी डिटेल से जानकारी देने के लिए हमारे पास आए हैं मीत 377 मल्टी क्रॉप से अमर सिंह जी, तो वो इसके बारे में और भी डिटेल से जानकारी हमें देंगे कि कितना कामयाब है, किस तरह से काम करता है और किस क्या क्या इसके स्पेशल फीचर हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहे क्योंकि वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार। थोड़ा सा कंपनी के बारे में और अपने बारे में कुछ बताइए सर। सर, हमारा ये कंपनी जो है ये मानसा से है, पंजाब में। ठीक है। और मीत नाम से हम लोगों ने ये हार्वेस्टर बनाया है। तो क्या क्या स्पेशल फीचर है इसको, मैं चाहता हूँ एक एक डिटेल से आप समझाइए। सबसे पहले यहाँ से आ जाते हैं रील से। इसमें स्पेशल है सर, ये जो हमने रील बनाया है इसका, ठीक है, ये जो बड़ी कंबाइन में लगा उसी साइज में बनाया है। ठीक है। क्यों, पहले इसमें छोटा आता था तो वो काम पूरा करता नहीं था। ठीक है। तो जो इसमें सिस्टम हमने लगा रखा है वो सारा बड़ी कंबाइन से इसको जोड़ के रखा है। मतलब यहाँ से कट के इकट्ठा होकर इस फीडर की सहायता से पीछे चला जाएगा। जी 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 जी। अगर इसकी चौड़ाई की बात की जाए तो कितने चौड़ाई तक में आप इसको उपलब्ध करवाते हैं? इसको जी 8 फुट के आसपास हम लोग रखते हैं। अच्छा, और बड़ा छोटा कुछ और भी आता है? नहीं, ज़्यादा बड़ा मॉडल इससे नहीं आता है, फिर दिक्कत आती है। क्यों, ट्रैक्टर पे दिक्कत आएगी और रास्ता अगर नहीं, पूरा रास्ते छोटे हैं तो वहाँ से भी फिर इसको निकालने में दिक्कत आएगी, तो इसलिए हम लोग 8 फुट के आसपास ही रखते हैं। अच्छा, मतलब 8 फुट के आसपास में। जी जी। अगर बात की जाए जैसे अभी जॉन डीयर ट्रैक्टर पे देख रहे हैं, कितने HP तक का ट्रैक्टर पे चल पाएगा ये? सर 50 से ऊपर जित कोई भी ट्रैक्टर हो उस पे ये चल सकता है। अच्छा, 50 HP और 50 HP प्लस होना चाहिए। प्लस होना चाहिए, यानी कि एवरेज माना जाए तो 45 से 50 HP का PTO पावर होना चाहिए। जी सर, जी सर, जी सर। तो दोस्तों, ये आप जहाँ देख सकते हैं, आप यहाँ से कट के इकट्ठा होकर इस फीडर में जाएगा पीछे की तरफ, तो हम वहीं चल के आपको दिखाते हैं कि पीछे जाने के बाद किस तरह गेहूँ को निकालेगा, भूसा इकट्ठा करेगा। जी, तो वहाँ से यहाँ तक गेहूँ आ जाएगा। इसके बाद में देख, एक प्रकार से थ्रेशर का मॉडल ही लग रहा है अंदर। जी सर, जी सर। इसमें कुछ हमने थ्रेशर के अलावा कुछ चेंज सिस्टम लगा रखा है, जो भूसा भी बहुत अच्छा बनाए और ट्रैक्टर पे भी ज़्यादा कोई लोड ना आए, तो इसलिए कई हमने इसमें सिस्टम जो बदल रखे हैं। कई बार शिकायत आती थी पिछले अदर मशीनों में कि ये अगर बेल्ट ढीला हो गया है तो हमको बेल्ट बदलना पड़ता है बार बार, तो हम लोगों ने अलग से ये सिस्टम लगा रखा है इसमें। ये देखिए, हर बेल्ट को हमने दे रखा है, अगर किसी वजह से बेल्ट ढीला होता है तो आप इसको एटल को लगा के बेल्ट को यहाँ से ऊंचा कर सकते हैं और आराम से ये बेल्ट वही चल सकता है, आराम से उसी बेल्ट की सहायता से। जी जी, ये फीडर चलता रहेगा। जी सर। उसके बाद में थ्रेशर में आ जाएगा और भूसा निकल जाएगा पीछे की तरफ। जी सर। और ये सिस्टम हम लोगों ने अलग से लगा रखा है, ड्राइवर को किसी प्रकार का ट्रैक्टर से उतरने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर उसको थ्रेशर चलाना तो इसका लीवर हम लोगों ने ड्राइवर के पास वहाँ दे रखा है, उसके बाद अगर गेहूँ भी निकालना है तो इसका भी लीवर हम लोगों ने ये वहाँ पे ड्राइवर के पास ही में दे रखा है। ड्राइवर को सारा कंट्रोल वहीं बैठे बैठे ड्राइवर वहीं कर सकता है, नीचे उतरने की जरूरत नहीं है। अगर ये जो भूसा खाली करना हो तो उसका भी सिस्टम वहीं से सीधा? जी सर, उसका भी हाइड्रोलिक वाले लीवर में हम लोगों ने सेट कर रखा है, जहाँ पे भूसा उतारना है वहाँ से अगर वो लीवर लगा देगा तो ये पूरे का पूरा खाली हो जाएगा। खाली होने के बाद लीवर डाउन करेगा तो ये अपने आप अपनी जगह पे आके सेट हो जाएगा। जी जी सर। तो जैसे वहाँ से तो थ्रेशर का सिस्टम हमने देख लिया। जी सर। अब यहाँ पे ये भूसा इकट्ठा होता है, अगर भूसे की बात की जाए तो कितने क्विंटल तक भूसा इकट्ठा हो जाता है? जी जी, भूसा हम लोगों ने इसका ऐसा सिस्टम बनाया है कि 3 क्विंटल के आसपास भूसा इसमें स्टॉक हो सकता है। यानी कि फिर अपन राउंड का अनुमान लगा लेंगे, 2 राउंड 3 राउंड के बाद जब भर जाता है एक साइड में आके इसको खाली कर देंगे। एक साइड में आके इसको खाली कर देंगे, उसके बाद में दोबारा लगा के फिर चला सकते हैं इसको। और अगर गेहूँ जैसे ऊपर इकट्ठे हो रहे हैं तो गेहूँ कितने इकट्ठे हो सकते हैं? गेहूँ मान के चलिए कि आप 6-6.5 क्विंटल के आसपास इसमें स्टॉक कर सकते हैं। 6.5 क्विंटल गेहूँ स्टॉक हो जाए? जी सर, जी सर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको दिख रहा है कि यहाँ से भूसा पीछे चला जाता है, गेहूँ यहाँ छल के इस एलिवेटर में आ जाता है और इस एलिवेटर से उठ के ऊपर की तरफ चला जाता है। जब ये पूरा का पूरा होपर भर जाता है तो आप उसी हार्वेस्टर मॉडल की तरह देख सकते हैं, यहाँ से सीधा आके ट्राली में खाली हो जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि हमने अभी आपको इसके बारे में पूरा बताया, यहाँ पे ड्राइवर बैठेगा आराम से, सारे लीवर कंट्रोल उसके हाथ में। अब अगर इसकी प्राइस की बात की जाए तो एक बार अमर सिंह जी से हम फिर बात करते हैं और प्राइस के बारे में बताते हैं। सर, अगर इसकी शुरुआती रेंज की बात की जाए तो फैक्ट्री किस रेट पे किसान भाइयों को उपलब्ध करवा देती है? ये देखिए जी, ये 5 लाख के ऊपर ही पड़ता है।
मतलब 5 लाख से शुरुआती रेंज है, मतलब शुरुआती रेंज है, मानसा की है, मानसा की है, वहाँ से ये 5 लाख में कंपनी में तैयार होता है। उसके बाद में ट्रांसपोर्ट फिटिंग वगैरह डीलर के पास जाएगा, वो एक अलग प्रोसेस हो जाएगा, वो अलग से उसका खर्चा जो भी रहेगा वो अलग से रहेगा। तो दोस्तों जैसे कि अभी हमने अमर सिंह जी से बात करी, उन्होंने मशीन के बारे में डिटेल से जानकारी दी। अब यह मशीन है तो इसके कुछ फायदे हैं, तो हो सकता है कुछ नुकसान भी हो, तो वो नुकसान तो हमें वही बताएंगे वो किसान भाई जो इस मशीन को खरीद के लाए और अब खेतों में चला रहे हैं। तो उनसे बात करते हैं कि उन्होंने मशीन कहाँ से ली और किस प्रकार से मशीन काम कर रही है। तो नमस्कार जी। हाँ जी, क्या हाल चाल है? सब ठीक है। अपना नाम बताओ सबसे पहले। मेरा नाम भंवर लाल मीणा है। और ये मशीन आपने ही ली है? हाँ, मैंने ली है। कहाँ से खरीदी थी? ये बड़ा नया गाँव हुसैन मेटल से। अच्छा, हुसैन मेटल, बड़ा नया गाँव, यहाँ लिख भी रखा है बूंदी। बूंदी। कब ली थी ये? अपने इसमें पहले इसको अभी 31 तारीख को आई थी। अच्छा, 31 तारीख, आज 5-6 तारीख, यानी 5-6 दिन से लगातार चला रहे हैं इसको? हाँ, लगातार चला रहे हैं। मतलब चलाने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं, मतलब कि क्या चीज़ है, कैसी लगी आपको खुद को? नहीं, ठीक चल रही है। मतलब कोई दिक्कत आई? कोई दिक्कत नहीं है। अगर बात की जाए डीलर की तो चलो ठीक है, आपका नज़दीक का आपको जो भी कहोगे कॉपरेटिव उसका मिलेगा कॉर्पोरेट, लेकिन अगर कंपनी की तरफ से बात की जाए तो कंपनी ने आपको कितना सपोर्ट करा है? कंपनी ने ठीक कराया है। कोई मिस्त्री वगैरह यहाँ रह के गए? मिस्त्री रह रहे हैं अपने पास। अच्छा, मिस्त्री यहाँ, मतलब कंप्लीट आपको सिखा के कंप्लीट करके फिर जाएंगे? हाँ, फिर जाएंगे। अगर बात की जाए कि आप इस मशीन से कितने संतुष्ट हैं? फुल संतुष्ट है इसे, क्योंकि बहुत से किसान भाई जैसे रिपर बाइंडर से भी लाके ट्रैक्टर पे कटाई कर रहे हैं, आप तो सीधा का सीधा वो सिस्टम ले आए कि आप काट भी रहे हो, निकाल भी रहे हो, और गेहूं अभी निकाल रहे हो, उसके अलावा बहुत सी चीज़ें बाद में भी निकलेगी, जैसे सोयाबीन के टाइम पे सोयाबीन हो गया, चना हो गया, सरसों हो गया, हर चीज़ को निकाल ही पाओगे। तो जो किसान भाई अगर रिपर या दूसरे थ्रेशर खरीदते हैं उससे बेटर ये चीज़ खरीद लेनी चाहिए। हाँ, क्या मानते हो आप, आपको क्या लगता है? ये ठीक लगता है। मतलब एक बार कैमरे के सामने देख के बोलो कितने खुश हो इसको देखे लेके? फुल खुश हूँ मैं तो। कंप्लीट एकदम? कंप्लीट 100%। चलो बहुत बढ़िया बात है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये जो मिनी कंबाइन हार्वेस्टर का वीडियो आपको हमने दिखाया वो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको भी गेहूं कटाई या अन्य प्रकार की फसलों की कटाई में दिक्कत आ रही, लेबर की दिक्कत आ रही, आप हाईटेक तरीके से अपनी खेती को करना चाहते हैं, तो आपको मशीनरी की तरफ आना होगा, तभी आप बढ़िया काम कर पाएंगे, कम समय में काम कर पाएंगे, कम लागत में काम कर पाएंगे और अधिक मुनाफा कमा पाएंगे। तो इस मशीन के बारे में आपको और भी कोई डिटेल से जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पर एक नंबर दिया गया, वहाँ पर आप संपर्क करके आप अपने लिए मशीन को खरीद सकते हैं, अपने नज़दीकी क्षेत्र के डीलर के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इसको आपको खरीदना तो आप खरीद भी सकते हैं। तो दोस्तों मशीन कैसी लगी कमेंट करके हमें बताना ना भूलें। ऐसी वीडियो आप हमेशा देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको खेती किसानी की मशीनों के ऐसी वीडियो यहाँ हमेशा मिलते रहते हैं। तो मिलता हूँ दोस्तों बहुत ही जल्द एक नए वीडियो में, जब तक के लिए जय जवान जय किसान।